मम्मी जी, मम्मी जी, अरे मम्मी जी कहाँ गई? मम्मी जी बिना मुझे बुलाकर खुद है ही नहीं कहीं पर। अरे लावण्या तुम यहाँ पे हो? जी हाँ मैं यहाँ पर हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम से मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या आई मीन कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हटो, मुझे शरबत बनाना है। एक्सक्यूज मी, शरबत आज मैं बनाऊंगी। बहू बनते ही किचन पॉलिटिक्स शुरू। कोई बात नहीं, तो अपने अपना ये और मम्मी पूरा कर लो। थैंक यू। ये मौका नहीं मेरी जान, बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। मुझे शरबत थोड़ी ना बनानी है, मुझे तो शरबत में जहर मिला के सबको पिलाना है। आओ। क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? नहीं, मैं ऑरेंजेस ले रही हूँ जूस बनाने के लिए। और कुछ पूछना है तुमको? पूछ लो। नो थैंक्स। अब ध्यान से सुन मेरी चीप कली, ये जो मोगरे की थाल है ना, इसमें जितनी भी मालाएं हैं सबके हाथ पे बन जानी चाहिए। कुछ भी कर, कैसे भी कर, किसी को छोड़ना मत। मैं एक बार किसी से चिपक जाऊं तो फिर इतनी आसानी से छोड़ती नहीं हूं। तुम टेंशन मत लो, मैं सबको बांध दूंगी। ये कोई फूलों वाला हल्का फुल्का काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, इसलिए इतनी हल्के में मत ले, समझी तू? सबसे पहले तो उन दोनों चूहियों के पास जो शक्ति है वो उनसे छीननी है। तो पहले इन मालाओं को सबके हाथों पर बांधना, उसके बाद जहर वाला शरबत सबको पिला देना। शरबत पीते ही सब सो जाएंगे और उसके बाद यहाँ हैवानियत जम जाएगी जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। आज एक लाश गिरेगी और फिर वो काल विजय रत्न मेरा। मैं सब समझ गई, तुम जैसा चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं छिप कर ऐसा वार करूंगी कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब बनी ना तू टक्कर, इनको टक्कर देने वाली। बस अब रात होने की देर है। मम्मा यहाँ क्या होने वाला है? पूजा? हाँ मम्मा, मैं किसी पूजा को नहीं जानती। भगवान की पूजा करने वाले हम सब। चलो अब मिलकर बैठो राशि और ट्विंकल के साथ, जल्दी बैठो। अरे अरे पंडित जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना पंडित जी। वो क्या है ना, इस घर में ये शादी के बाद मेरी पहली पूजा है, तो मैं चाहती हूँ कि सब कुछ एकदम विधि विधान से हो। आप बिल्कुल दिल से पूजा कीजिएगा। वो क्या है ना पंडित जी, रक्षित से शादी के बाद आई फील कि मैं भी किसी की बहू हूँ, तो मैंने सोचा मैं पूजा में आपका हाथ बटाऊं, आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो देखिए मैंने मोगरे की मालाएं बनाई है। एक काम करती हूँ, मैं सबको ये मालाएं बांध देती हूँ, फिर आप पूजा शुरू कीजिएगा, ठीक है पंडित जी? रक्षित कहाँ है? पूजा में आया क्यों नहीं अभी तक? अरे फोरा बेबी आओ ना, पूजा शुरू ही होने वाली है। आओ मैं तुम्हें भी मोगरे की माला बांध देती हूँ। आओ। अरे दृष्टि तुम भी आ जाओ। नहीं, तुम इस पूजा में नहीं बैठ सकती, बल्कि अब तक तुम इस घर में क्यों? मम्मी ये घर में इसलिए है क्योंकि इस घर में रहने का हक है मुझे। हक? कैसा? रक्षित ने लावण्या से शादी की और तुम्हें डिवोर्स दिया है। डिवोर्स पेपर्स पर अभी तक सिर्फ सिग्नेचर्स हुए हैं, नहीं मम्मी, ना ही डिवोर्स प्रोसीड हुआ है और ना ही कोर्ट से डिवोर्स के ऑर्डर आए हैं। पर प्रोसीजर शुरू हो चुका है, यानी कि डिवोर्स हो चुका समझो। तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। पर पहली पत्नी के होते हुए या पहली पत्नी के साइड से डिवोर्स के ऑर्डर्स आने से पहले पति दूसरी शादी नहीं कर सकता है, तो ये डिवोर्स नहीं हुआ है और मैं पूजा में बैठूंगी। अगर मुझे इस पूजा में नहीं बैठने दिया और मुझे मेरा हक नहीं दिया तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने के जुर्म में पुलिस इन्हें सलाखों के पीछे डाल देगी। करूं क्या फोन पुलिस को रक्षित जीजू? आई मीन क्या? रक्षित सर, देखिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूजा का सुमुख निकल जाएगा और पूजा भंग हो जाएगी। नहीं नहीं पंडित जी, आप इसे भी पूजा में बैठने दीजिए, आप पूजा शुरू कीजिए ना। पर इट्स ओके मम्मी जी, मम्मी जी देखिए हमारे दिल में कोई खोट नहीं है, तो भगवान जी हमें भी अच्छा ही आशीर्वाद देंगे। पूजा शुरू करवाइए, मैं सबको ये मोगरे की मालाएं बांध देती हूँ।
सृष्टि? नहीं उसे नहीं। अब ओके मम्मी जी, ठीक है। कुछ ठीक नहीं, मैं मिसेस शेगल हूँ तो ये मैं भी बांध लूंगी। हे शैतान, यहाँ तो पूरा का पूरा डेली सोप फुल चुका, फैमिली मेलोड्रामा चल रहा है। हाय, क्या तड़का लगा है रिश्तों का। काश मैं थोड़ी देर यहाँ और रुक के ये सारा फैमिली ड्रामा देख पाती, लेकिन नहीं, मुझे तो एक बहुत जरूरी और बहुत बड़ा काम करना है। चल शौचनी, चल अपने अगले पड़ाव पे चल। घर के बेटे बहू पूजा में बैठ जाएं। जी हाँ। रक्षित और लवण्या, दृष्टि। दृष्टि शैगल नाम है मेरा। दृष्टि बहुत हो गया, तुमने खुद अपने हाथों से डिवोर्स पेपर साइन किए थे कि नहीं? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे सबके सामने? कोई बात नहीं मम्मी जी, बस दो ही दिन की बात है, उसके बाद डिवोर्स के ऑर्डर्स आ जाएंगे, फिर हम इसको यहाँ से जाने के ऑर्डर्स भी दे देंगे। और वैसे भी ये इस पूजा में बैठ के कौन सा तीर मार लेगी, है ना? अब दृष्टि, तुम्हें पूजा में बैठना है ना? कोई बात नहीं, बैठ जाओ। मम्मी जी, मैं सबके लिए शरबत बना लेती हूँ। लावण्या, तुम कुछ नहीं कहोगे, ऐसे चुपचाप खड़ी रहोगे? मॉम प्लीज, जितनी जल्दी ये पूजा होती है हो जाने दीजिए, मुझे अभी घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए। सॉरी। इट्स ओके, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हें यहीं आसपास रहना है। चलो पूजा शुरू करते हैं।